हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जब देखते हैं ज़ैनब हलीम की जो लाइफ में बिजनेस क्या ट्विस्ट आता है और कितनी ज़्यादा इन दोनों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उनका फ्रेंड्स हलील ज़ैनब के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करेगा, वो उसको लूज़ नहीं करना चाहता और अपनी मैरिज को बचाने की भी पूरी कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, अब इस मैरिज को बचाना सिर्फ और सिर्फ हलील और ज़ैनब दोनों के हैंड में है, लेकिन ज़ैनब जो है अपने हाथों से अपनी मैरिज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और अपनी हैप्पीनेस को भी। लेकिन फ्रेंड ज़ैनब जो है वो देखें हलील की बात कभी भी नहीं मानेगी। हलील ज़ैनब से एक और चांस मांगने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी सारे पास्ट मिस्टेक्स को फिक्स कर सके। लेकिन फ्रेंड ज़ैनब के लिए उसके एक चांस देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अब देखें फ्रेंड ज़ैनब क्या करती है, हलील पर ट्रस्ट करेगी या फिर सुंगल पर? उनका फ्रेंड जो सुंगल है वो ज़ैनब को हलील का एनिमी बनाना चाहती है, जिस तरह फ्रेंड उसने पहले हलील को ज़ैनब का एनिमी बनाया था। और हलील ने जो कुछ भी किया ज़ैनब के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उस सारी चीज़ों का जो रिस्पॉन्सिबल है वो सुंगल है। और अब देखिए फ्रेंड ज़ैनब और हलील क्या करते हैं, उन दोनों के लव लाइफ में क्या बिगेस्ट ट्विस्ट आता है। क्योंकि फ्रेंड जो राइटर है, तो फ्रेंड सब देखें जो राइटर है वो क्या करता है, उसने ऑलरेडी सारी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहा है हलील के लिए। और अब हलील देखे ज़ैनब का हार्ट कैसे विन कर पाएगा। और ज़ैनब और हलील के दरमियान अब जो रिलेशनशिप है वो हस्बैंड और वाइफ का है, लेकिन ये देखें कब तक सस्टेन रहेगा। और जो संगल है वो अपनी ईवर प्लानिंग में कैसे कामयाब होगी, क्योंकि वो भी इतनी आसानी से इन दोनों को हैप्पी नहीं रहने देगी। और जब तक वो यहाँ पर रह रही है तब तक हलील और ज़ैनब कभी भी हैप्पी नहीं रहेंगे। होपफुली फ्रेंड्स हलील उसको यहाँ से निकाल दे, क्योंकि जब तक वो हलील की लाइफ में है वो ज़ैनब के लिए बिगेस्ट चांसेस हैं, डेंजर ही रहेगी। ऑलरेडी वो ज़ैनब को इतनी दफ़ा मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हलील को कुछ पता नहीं लग सका। तो देखिए फ्रेंड अब स्टोरी किस तरफ जाती है, हलील और ज़ैनब की लाइफ में क्या बिगेस्ट ट्विस्ट आता है। क्योंकि फ्रेंड चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। और अब देखें फ्रेंड ज़ैनब हलील जो है कैसे सारी चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और हलील अब क्या करता है ज़ैनब के लिए, उससे अपने आप को माफ़ करवाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Take care. Allah Hafiz. See you. Bye-bye.